हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशिमा। मेरे चैनल कुक इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज़ की टेंशन है, हर घर की टेंशन है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बने। तो मैंने आज एक नई रेसिपी ट्राई की जो कि बहुत ही टेस्टी बनी, क्विक थी, चटपटा, क्रिस्पी, हेल्दी सा चीला बनाया था मैंने आज, बहुत ही अच्छा बना। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँ। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम ऑयल में बन के रेडी हुआ और इतना क्विक कि आपका जब मन कर रहा है ना, फटाफट से आप इसे बना सकते हैं। मेरी गारंटी है, अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो हफ्ते के 7 दिन में से कम 2 से 3 बार तो आप इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे। बहुत टेस्टी बनता है। और इसके साथ मैं बनाऊँगी एक टेस्टी सी चटनी भी। तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस रेसिपी को साबुदाने से बनाऊंगी क्योंकि साबुदाना बहुत हेल्दी होता है। वीक में अगर आप 1 से 2 बार साबुदाने की खिचड़ी या फिर साबुदाने का चीला भी बना के खाएँ तो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप जितना साबुदाना ले लिया है, अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। दरदरा सा पाउडर बनता है। और अब करेंगे यहाँ पर मूंगफली को रोस्ट। मैंने 1 कप ही यहाँ पर मूंगफली ले ली है, ये रॉ मूंगफली है। इसे मीडियम फ्लेम पर रख कर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इससे बनाएंगे हम चटनी और थोड़ी सी मूंगफली हम डालेंगे चीले के बैटर में। तो ये रोस्ट हो चुकी है, अब इसे पूरी तरह से ठंडा कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे आप ऐसे भी ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आप गरम गरम में इसे ग्राइंड करते हैं तो ये थोड़ा सा पेस्ट पेस्ट जैसी बनकर रेडी होती है। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने इसे ऐसे ही ग्राइंड कर लिया है हल्का सा ठंडा होने के बाद। तो ये थोड़ा सा पेस्ट पेस्ट सी बन गई है, मूंगफली ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। तो इसमें से मैं थोड़ा सा मूंगफली को अलग कर लूँगी, थोड़ी सी इस पेस्ट को मैं अलग कर लूँगी क्योंकि इसे मैं डालूँगी चीले के बैटर में। और बाकी जो पेस्ट है उससे मैं बनाऊँगी यहाँ पर चटनी। मैंने 1 कप जितनी मूंगफली ली थी तो उसमें से अब इतनी मूंगफली मेरी बची है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, 2 से 3 डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा अदरक, हरा धनिया, नींबू और थोड़ा सा नमक। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा भुना जीरा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, मैंने सिर्फ नमक डाला है। थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। मूंगफली की चटनी के लिए पानी थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन एकदम से पानी ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा डालें, ग्राइंड करें, अगर अच्छे से ग्राइंड नहीं होती है फिर इसमें पानी और डालें। तो ये देखिए कितनी क्रीमी क्रीमी सी मूंगफली की चटनी बनके रेडी हो गई है। तो एक टिप है यहाँ पर, इस चटनी में जब आप सॉल्ट डालें तो बिल्कुल ज़रा सा डालें, क्योंकि मूंगफली में भी हल्का सा सॉल्ट रहता है। तो आप ऊपर से सॉल्ट डालेंगे तो नमक तेज़ हो सकता है। तो अब बना लेते हैं फटाफट से इस चटनी के लिए तड़का। एकदम क्रीमी सी चटनी बनकर रेडी हो गई है। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर तड़का। तड़का बनाने के लिए एक पैन में ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल, साथ में डालेंगे जीरा और जीरे को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। जीरा भुन गया है तो अब मैं ले लूँगी यहाँ पर थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता और जीरे का फ्लेवर यहाँ पर बहुत ही टेस्टी लगता है। बस अब ये तड़का लगकर रेडी हो गया है। अब इस तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे जिससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। तो ये देखिए क्रीमी टेस्टी मूंगफली की चटनी बनकर रेडी हो गई है। बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है। बहुत सारे लोग इस चटनी में धनिए का यूज़ नहीं करते हैं, पर मैंने किया है जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। बस नमक कम डालें, नमक तेज़ बिल्कुल भी ना करें। तो अब बना लेते हैं चीले का बैटर। तो एक बोल में डालेंगे सबसे पहले साबुदाने का पाउडर, एकदम दरदरा दरदरा सा रहता है, एकदम फाइन पाउडर नहीं होता है ये। तो 1/2 कप का मैंने यहाँ पर पाउडर बना लिया था। और साथ में डालेंगे यहाँ पर कुछ आटे, मैंने 2 से 3 चम्मच, टोटल 4 चम्मच जितना मैंने यहाँ पर रागी और ज्वार का आटा मिक्स करके ले लिया है, 2-2 चम्मच दोनों। और साथ में डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च, अदरक और बारीक कटा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप हरी मिर्चें। और थोड़ा सा तड़का बचा था तो मैं इसी में डाल रही हूँ। और साथ में डालेंगे यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दही, गाढ़ी दही है ये,
हंकर्ड नहीं है लेकिन गाढ़ी दही है। और साबुतदाने के साथ आलू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 उबले हुए आलू। अगर आप आलू की जगह मिक्स वेज का बनाना चाहते हैं तो बारीक बारीक काट कर आप शिमला मिर्च, गाजर, ये सारी मिक्स वेज यहाँ पर ले सकते हैं। तो बस अब इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे, साथ में डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं और भुना जीरा भी डाल सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक और लाल मिर्च डाली है यहाँ पर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसका बैटर मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा पतला रहता है ताकि चीला थोड़ा पतला बनाएंगे तो वो क्रिस्पी बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप मोटा मोटा बनाएंगे तो उसे पकने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इस बैटर को जितना मुझसे पतला हो सकता है मैं पतला कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं करना है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इतना पतला होना चाहिए। लेकिन इसे आप ऐसे बनाकर छोड़ेंगे और एक तवे पे चीला डाल देंगे तो उतने में ये दोबारा से गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर बार बार आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना होगा, मिलाकर फिर आप चीले को तवे पे स्प्रेड करेंगे। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरे तवे पर स्प्रेड कर रही हूँ इसे। और इसे बनाने के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी, आयरन के तवे पर आप इसे बिल्कुल ना बनाएं, इसे नॉनस्टिक पर ही बनाएं, क्योंकि ये चिपकने के इसके चांसेस होते हैं। इसमें साबुतदाना है, साबुतदाना जब आप पीस के डालेंगे तो वो थोड़ा सा लेसी लेसी हो जाता है। तो इसे नॉनस्टिक पर ही बनाएं, आयरन के तवे पर बिल्कुल ना बनाएं। तो मैंने इसे एकदम पतला पतला स्प्रेड कर दिया है और इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। और ये देखिए थोड़ा सा ऊपर से पक गया है। जब ये ऐसा हो जाए तो इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी, साइडों पर हल्का हल्का सा देसी घी लगा देंगे ताकि ये अपनी साइडों से क्रिस्पी हो जाए और तवे को छोड़ने लगे। बस इतना ही घी डाला है मैंने यहाँ पर। इसे दोबारा से ढकेंगे और इसे दोबारा से मीडियम फ्लेम पर रखकर 1 से 2 मिनट के लिए पकने देना है। अब ये देखिए साइड्स इसकी कैसे क्रिस्पी क्रिस्पी सी होने लग गई हैं। तो बिल्कुल धीरे धीरे से पलटे की हेल्प से इसे पलटेंगे और ये देखिए ऊपर की जो लेयर है कितनी क्रिस्पी दिख रही है, लेकिन ये वापस से सॉफ्ट हो जाती है। और मैं इसे दबा इसलिए रही हूँ ताकि नीचे अगर मोटा मोटा कहीं से भी रहा होगा तो वो वापस से पतला हो जाएगा। और इसके ऊपर भी लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी और साइडों पे भी हल्का हल्का सा देसी घी डाल देंगे और दोबारा से ढककर इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ से भी पकने देंगे। तो अब इसको दिखाती हूँ मैं आपको उल्टा करके। ये देखिए ऊपर से ये सॉफ्ट हो गया है और नीचे से ये थोड़ा सा पक गया है। अब मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे ऐसे ही दबाते हुए, लगातार दबाते हुए इसे क्रिस्पी कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है, खाने में एकदम चटपटा सा बनता है। मैंने यहाँ पर कोई चाट मसाला नहीं डाला है, तो बिना चाट मसाले के भी दही की वजह से ये थोड़ा सा चटपटा सा बनता है और खाने में इतना टेस्टी लगता है, आप इसे जब चाहें तब बना सकते हैं। और साबुतदाने के साथ आलू का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप आलू का नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर बारीक बारीक काट कर मिक्स वेजेस को भी डाल सकते हैं, जैसे गाजर हो गई, बीन्स हो गई, शिमला मिर्च हो गई, और भी जो मिक्स वेजेस आपको पसंद है बारीक बारीक काट कर आप गोभी भी डाल सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एकदम क्रिस्पी सा चीला बनकर रेडी हो गया है। ऐसे ही एक और बना लेते हैं। मैं आपके सामने एक बार फिर से स्प्रेड कर रही हूँ, एकदम पतला पतला स्प्रेड करना है। मोटा मोटा स्प्रेड करेंगे तो ये जल्दी से पकेगा भी नहीं और इसे आप क्रिस्पी भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा सर्व स्पून में लेते जाएं और पूरे पे अच्छे से फैलाते जाएं, एकदम पतला पतला इसे स्प्रेड करना है। और इसे आयरन के तवे पर तो बिल्कुल भी ना बनाएं, इसे नॉनस्टिक पर ही बनाएं ताकि आप इसे आराम से तवे से छुड़ा पाएं। तो मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है, अब ऊपर से ढक्कन लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। पहले मैंने इसे पहले पका लिया था, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा लिया था और अब देखिए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा लेयर ऊपर बन गया है। और इसे प्रेस कर करके ये जहाँ से भी मोटा है
इसे दबा दबा कर पतला कर लेंगे। और ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक गया है। आप इसे जितनी बार भी बनाएं, जितनी बार भी इसे पकाने का काम करेंगे ना, तो इसे ढककर ही करें। ढकने से ये जल्दी पकता है, बिना ढके आपको काफ़ी टाइम लगेगा इसे पकाने में। तो मैंने इसे ढककर पहले दोनों तरफ से पका लिया है, और उसके बाद ढक्कन हटाकर मीडियम फ्लेम पर मैं दोनों तरफ से इसे दबा दबा कर थोड़ा सा क्रिस्पी कर रही हूँ। एकदम क्रिस्पी चटपटा सा बहुत टेस्टी सा चीला बनकर रेडी हो जाता है। आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, और दही के साथ नहीं खाना है तो मैंने आपके साथ मूंगफली की चटनी शेयर की है, आप उसके साथ भी इसे खा सकते हैं। मूंगफली की चटनी भी नहीं बनानी है तो सिंपल आप हरी चटनी बनाएं, जो नॉर्मल हम बनाते ही हैं, उसके साथ इसे खाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए हेल्दी क्रिस्पी चीला बनकर रेडी हो गया है। मैंने इसमें सारी हेल्दी चीज़ों का यूज़ किया है, साबूदाना भी बहुत हेल्दी होता है, और ज्वार का आटा, रागी का आटा, ये सब बहुत हेल्दी होते हैं। आप पूरा ज्वार का आटा भी ले सकते हैं, पूरा रागी का आटा भी ले सकते हैं, और चाहें तो यहाँ पर बाजरे का आटा भी ले सकते हैं।